हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक इन विंडोज। प्रीवियस वाली वीडियोज में हमने देखा था कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड पिप। गाइज, यदि आपको जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है अपने विंडो वाले सिस्टम में, तो आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद पिप। ये दोनों चीजें नेसेसरी है टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। यदि आपको नहीं पता कि पाइथन एंड पिप कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज के अंदर, तो गाइज मैंने प्रीवियस वाली वीडियोज में बताया था, या आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखना और उसके बाद आप इसको देखना कि हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ओके, सो मैं इसके अंदर एक ही मेथड बताने वाला हूँ, जो कि है सीएमडी। मतलब मैं कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करके इस जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करके आपको दिखलाऊंगा और रन कर भी दिखलाऊंगा। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहना, और गाइस वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल अपना सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है jupyter.org, जो कि जुपिटर की मेन वेबसाइट है। और हम लोग यहाँ पे गाइस इंस्टॉल पे आ गए हैं। इंस्टॉल पे आने के बाद यहाँ पे कुछ कमांड्स दी हुई है, जिनको आपको कॉपी करके अपने सीएमडी मतलब कि जो कमांड प्रॉम्प्ट होती है वहाँ पे जाके इसको रन करना है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। और इसको पहले आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना गाइस, उसके बाद आपको अपने सीएमडी पे आना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करके और इसको एंटर कर देना है। ओके, सो ये क्या करेगा कि आपके सिस्टम में ज्यूपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेगा। ओके, उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है गाइस, उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यूपिटर लैब, आप इससे इसको लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपको ओपन करना ज्यूपिटर नोटबुक, तो आप लोग सिंपल यहाँ पे ज्यूपिटर लैब लिखेंगे तो आपकी जो ज्यूपिटर नोटबुक होती है वो ओपन हो जाएगी। ओके, और इसके नीचे गाइस इसको पहले आप कॉपी कर लो। यहाँ पे आप देखो, यदि आपको क्लासिक नोटबुक चाहिए तो आप लोग कुछ इस टाइप से इसको इंस्टॉल कर सके और इसको रन कर सकते हो। और यदि आपको वोयला चाहिए तो आप लोग इसको पिप इंस्टॉल वोयला और इसको ऐसे आप लोग रन कर सकते हो। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो जुपिटर नोटबुक को कहाँ तक इंस्टॉल हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8.9 MB का अभी इंस्टॉल हो रहा है और अभी पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगी। उसके बाद हमें दूसरी वाली कमांड को रन करना है, सो गाइस कि आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाए। सो गाइस, इसने थोड़ा सा टाइम लिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल एक कमांड से इतने मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुए हैं। ओके, अब ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा जुपिटर नोटबुक। अब हमें क्या करना है, जो दूसरी वाली कमांड थी जुपिटर लैब, जिसे हमें लॉन्च करना है मतलब ओपन करना है, इसको सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर देना गाइस। अब आपके सिस्टम में ज्यूपिटर लैब जो है वो ओपन हो जाएगी किसी एक ब्राउजर में। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ज्यूपिटर लैब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पाइथन का कोड रन करके दिखा देता हूँ। सो यदि आपको पाइथन की जो फाइल्स है यदि ओपन करना है, आपको पाइथन का कोड लिखना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और जो नोटबुक है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पाइथन का कौन सा है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे कोई भी यदि कोड लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट हाय। सो गाइस, यदि आप इसे रन करते हैं, जैसे मैं इसे रन करके आपको शो करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने हाय प्रिंट कर दिया है। ओके, सो आप ऐसे जुपिटर नोटबुक के अंदर वन बाय वन लाइन जो होती है उसे आप प्रिंट कर सकते हो, रन कर सकते हो। सो गाइस, ऐसे आप लोग जुपिटर नोटबुक को यूज कर सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक इन विंडोज सिस्टम, और प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था पाइथन और पिप कैसे इंस्टॉल करते हैं। गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।